वो दिन कितने प्यारे
ओम शांति ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु परिवार, युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेंगी। शांति, वेलकम। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 26 डे है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु परिवार। हम आज के मर्यादा मधुबन के जाना और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। वी कॉल अवरसेल्व्स एज अव्यक्ति परिवार। हम अपने को अव्यक्ति परिवार कहते हैं, पर तो हम तो है प्रभु के परिवार। ये तो बेहद का परिवार है, बेहद परिवार, बड़ा परिवार। आज बाबा ने कहा हमारी जो वृत्ति है और हमारा जो कार्य है सभी को कल्याण लेकर आना है और परिवर्तन, विश्व परिवर्तन का कार्य, सुख के संसार में लेके जाना दुख के संसार से। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें कार्य दिया है, पर हमें स्व परिवर्तन के ऊपर अटेंशन रखना है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर नहीं सकता, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी पर हो गया। ऐसे नहीं, जितना हम में स्व परिवर्तन होगा इतना हम प्रकृति को भी और विश्व परिवर्तन सब कर सकते हैं, पर हमारी स्व परिवर्तन से ही सभी परिवर्तन होता है। और परिवर्तन संकल्पों से शुरू होता है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, बोलते हैं, पहले संकल्प से शुरू होता है। फैमिली, तो ये प्रभु परिवार में मर्यादाज आर मोर लाइक माय पर्सनल कॉन्डक्ट। मेरा जो स्व के ऊपर स्व परिवर्तन, स्व के मर्यादाओं के ऊपर
कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। दीदी बता रहे हैं कि दीदी का पालन जो था बहुत जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी परिवार में हुआ था और सभी को रात को 9:30 बजे से पहले घर पे आ जाना था, सभी को। और बहुत अच्छी डिसिप्लिन थी, नियम थी, और सभी को सो जाना है 10 बजे से पहले, बेड पे रहना है 10 बजे तक। तो सुबह भी जल्दी उठना सूर्योदय के पहले ही, और फिर मंत्र जपना और भगवत गीता का कोई एक चैप्टर पढ़ना। तो ऐसी परिवार में ऐसी मर्यादाएं नियम होते थे। तो कोई कोई पूछते हैं मर्यादाएं माना क्या है। मर्यादा माना ऐसे परिवार में कोई कोई मर्यादा होते हैं, कोई रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, माना नियम होते हैं ऐसे। पर ये तो ऑनर है परिवार का, क्योंकि हम प्रभु परिवार कहते हैं। तो हमारी भी थोड़ा वैल्यूज है, माना धारणाएं हैं। जब हम मधुबन जाते हैं तो क्या खाना, सुबह की क्लास जो होती है प्रॉपरली अटेंड करना, अमृत वेला अटेंड करना, रात तक जो सभी क्लासेस सब कुछ अटेंड करना। तो ये याद रखे कि हम हमेशा हम प्रभु परिवार के हैं। और बाबा ने कहा कि आज हमारी वृत्ति को भी बाबा ने बताया कि आज हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। और इस हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जब पहलों के दिनों में जब मधुबन जाना होता था तो फिर कितनी खुशी से, कितनी एंथुसियाज्म से जाते थे। तो कई कई देशों के बच्चों के तो पैसे भी इतने नहीं होते थे कि वो मधुबन जा सके। तो पता है बाबा का घर है, पर कैसे भी करके पैसे इकट्ठा करके जाते थे। और जब भी बच्चे कहाँ से भी आते थे मधुबन, तो ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से सब दादियों को वेलकम करते थे। ये आपका बाबा का घर है, तो बाबा की जो कैसे वो करते थे, वेलकम करते थे बहुत प्यार प्यार से। बाबा के प्यार में हम सब खो जाते थे। और अभी कोई कोई कहते कि अभी तो बाबा नहीं आते हैं, तो पहले बाबा तो साकार रूप में आया, बाबा के रूप में, फिर अव्यक्त बाप दादा के रूप में, दादी गुलजार के रूप में आया। और अभी तक भी जो बाबा के बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी जब मधुबन जब आते हैं तो बाबा का प्रेजेंस, बाबा का अनुभव करते हैं वहां पर। पहले तो क्या था कि शरीर था तो थोड़ा टाइम तक ही था, पर अभी तो देखो आप जितना टाइम चाहो उतना बाबा को अनुभव कर सकते हो, मिलन। अभी शांतिवन में हर 5 दिन में कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम होता ही रहता है, होता ही रहता है। खाना तो भंडारा तो चलता ही रहता है, सारी रूम कमरे की कितनी अच्छी सफाई हो जाती है। और पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो, इतनी बड़ी परिवार का बाबा का घर जो है, पिता का घर जो है, कैसे मेंटेन करते हैं।
तो हम ये भी एक मर्यादा के एक रख रहे हैं ताकि कैसे जाए ये मधुबन. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मधुबन जाना, एटलीस्ट साल में एक बार, और जो भी समय हमारे लिए मिला है 2 हफ्ते 1 हफ्ते, प्रॉपर प्रोग्राम इज प्लान फॉर दैट. तो प्लान करके अच्छी तरीके से जाना. और अक्टूबर के लिए भी अभी हमारे पास पूरा YouTube लिंक और प्रोग्राम का लिंक सब कुछ भेजा है. पर ये मतलब नहीं कि अगर हम ऑनलाइन में घर बैठे देखे तो फिर हम मधुबन क्यों जाएं. पर अभी तो हमें पांडव भवन में डबल फॉरेनर्स को रहने का कोटा भी मिला है, और पांडव भवन तो तपस्या का धाम है, और परिवर्तन के लिए तो हमें जब हम जब वापस आ जाते हैं मधुबन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं स्वामी. और वहाँ की जो पांडव भवन की जो वाइब्रेशंस हैं तपस्या का, इतनी बड़ी बेहद की परिवार में रहते हुए मधुबन में अपने आप को भरपूर करते हुए, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि परिवार से एक दूसरे से मिलते हुए जब हम मधुबन जाते हैं. यहाँ तो ऑनलाइन में बैठकर भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, पर जब पर्सनल जाकर जब हम मिलते हैं तो वो तो कुछ अलग ही अनुभव होता है. तो मधुबन तो तपस्या भूमि है, और हमारा अब्बा का घर है, बाबा का घर है, और तीर्थ स्थान है. तो तीर्थों पर तो जाते हैं बहुत सारे. तो हमारी जो परिवर्तन जो है वहां पर बहुत होता है स्व परिवर्तन. तो हमने ये वो भी एक मर्यादा में रखा है कि मधुबन जाना ये भी एक मर्यादा है. कोई कोई पूछते हैं कैसे प्रिपेयर होना है मधुबन जाने से पहले. दीदी कह रहे हैं कि प्रॉपर अमृत वेला. यहाँ पर अगर हम नहीं करते तो वहां जाकर कुछ, वहां जाने के बाद भी वो आदत नहीं है ना यहाँ से, तो वो इतना लाभ नहीं उठा सकते. तो यहाँ से करके जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा. पर अगर हम ये मर्यादा यहाँ से फॉलो नहीं करते तो फिर वहां हम ना शक्ति का ना वाइब्रेशन का अनुभव कर सकते हैं. तो बाबा परिवार शब्द यूज करते हैं. वार माना अटैक होता है. तो जब हम पूरे परिवार में रहते हैं तो वार से परे हो जाते हैं. माया नहीं आ सकती. माया कभी भी मर्यादा के लकीर क्रॉस करके नहीं आ सकती. तो जब हम परिवार में रहते हैं, बाबा के परिवार में, तो फिर हम इतना जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं दूसरी चीजों से. तो हम प्रभु परिवार का बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये हमारा परिवार है. ओम शांति. ओम शांति. अव्यक्ति परिवार, गुड इवनिंग. सभी कैसे हैं? और मोहिनी दीदी आप कैसे हैं? वो आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है. मैं देख सकी इस वीकेंड पे फ्लोरिडा रिट्रीट. जयंती बहन को, आपको, सबको देखकर, और जो वाइब्रेशन हम तो घर बैठे फील हो रहे थे, और यहाँ पर तो हमारे एक तूफान हो रहा है, हरिकेन हो रहा है. And the hurricane came on the very day. एक बहुत बड़ा साल में एक बार का फेस्टिवल होता है जहाँ मैं रहती हूँ.
पर वहां पे देखो इतनी बड़ी तूफान हो गई तो पूरा प्रोग्राम नहीं हो पाया बाहर का, पर हम तो घर बैठकर बहुत अच्छी बातें किया आप सबके साथ। और हमारा तो तीन स्टोरी का माला है, तीन स्टोरी का बिल्डिंग है हमारा, और हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सबका कुछ ना कुछ हुआ, पर हम तो यहाँ पर इतने बड़े तूफान में भी हैप्पीली आपके साथ थे। और तो ये जो पूरा रिट्रीट देखने के बाद ऑनलाइन में ये जो बहन कह रही थी कि जैसे कि लग रहा है कि मैं दो हफ्ते मधुबन जाके आ गई, तो ये बहन को लग रहा है कि परिवार में रहना, सबके साथ रहने में इतना अनुभव हुआ घर बैठे भी। तो अभी मधुबन में क्या है, मधुबन की मैजिक क्या है? तो पूछ रहे हैं कि दीदी का क्या अनुभव है इसमें। तो दीदी कह रहे हैं कि हर जगह मिनी मधुबन की तरह होना है। एक बार दादी प्रकाशमणि पूछ रहे थे कि जब आप मधुबन जब आएंगे तो बहुत बेफिकर हैं, केयरफ्री हैं, क्योंकि जब आप जो हमारे डे टू डे का वो नहीं है, और फिर जब हम तो फिर हम मधुबन जाते हैं तो फिर बहुत केयर फ्री फील होते हैं। तो इवन हम वहां जाकर भी कुछ थोड़ा कर्म भी करते हैं, कर्म योगा भी करते हैं, पर बुद्धि जो है फ्री होती है जब हम जाते हैं। तो तब जहां हम जाते हैं तब मधुबन, तो ऐसी अनुभव मिलता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेफिकर स्थिति अनुभव करने के लिए हमें मधुबन ही नहीं जाना है, क्योंकि अभी जो पीस विलेज में ये जो दो तीन दिन का ये जो चला, तो बहुत बड़ी अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत अच्छी योग हुई, पूरा रिट्रीट शक्तिशाली था, और सबको लगा कि मैं मधुबन में हूँ, मधुबन में हूँ, मधुबन में हूँ। तो मधुबन तो जहाँ हम हैं वहाँ हम मधुबन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर तो जो अनुभव जो है वो हम यहाँ ही अनुभव कर सकते हैं, पर फिर भी वहाँ का अनुभव तो मधुबन का अलग है। और ये बहन कह रहा है कि ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मधुबन नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी, पर जब हम गए थे तो फिर वो जो अनुभव लेकर आए, तो फिर वो जो अनुभव यहाँ भी रहकर भी हमने अनुभव करने को लिए मिला, क्योंकि पहले गए थे राइट, तो फिर वो अनुभव किया, तो फिर वो अनुभव अभी भी हमें मदद कर रहा है। तो आजकल के जो ब्राह्मण जब हम देखते हैं तो फिर कहते हैं कि मधुबन जाना नहीं चाहते, कि और कोई कोई ऐसे ब्राह्मण हैं कि कोविड के समय से वेट कर रहे हैं कि कब जाए मधुबन, कब जाए मधुबन। तो कोई कोई आत्मा कहते हैं कि मुझे मधुबन अच्छा लगता है, पर मुझे वहां इतना जाने की भी लाइक नहीं जाए तो भी ठीक है, ऐसे कोई कोई कहते हैं, तो फिर क्या कहे उनको। तो दीदी कह रहे हैं कि जब कोविड के समय सभी को घर पे रहना, और जिसकी भी तबीयत कोई इतनी अच्छी नहीं रहते, तो फिर उसका एज की वजह से कहो, बॉडी की वजह से कहो, तो फिर अभी के समय पे जाना तो इतना ये नहीं है, पर ये एंथुसियाज्म माना जो हमें जो ऐसे नहीं है, खुशी नहीं है जाने का, पर ये जो जर्नी है, ट्रैवल
का जो अरेंजमेंट्स जो करना होता है और शरीर का भी ये होता है, तो फिर उससे थोड़ा उनको डल होती है। पर अभी रेकमेंड कर रहे हैं कि दीदी की एक दो के साथ जाएंगे, हाँ ट्रैवल के लिए प्रॉपरली अरेंजमेंट करके जाएंगे, तो फिर तीन चार आत्माएं ऐसे मिल के जाएंगे तो फिर उनमें भी उमंग उत्साह आ जाएगा और शरीर के साथ भी बहुत सारा देखभाल करना पड़ता है। तो फिर कैसे हम करें कि तीन चार आत्माएं ऐसे इकट्ठे इकट्ठे जाए, कहाँ भी जाए, मिलकर जाए, फ्लाइट में भी मिलकर जाए, तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट होती है। ऐसा नहीं कि मैं मधुबन परिवार के लिए नहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, परिवार में रहते हुए परिवार के साथ मधुबन जाएंगे और सेफ भी लगता है इसमें। तो और एक प्रश्न है, तो अभी हमारा जो हम समय व्यक्त करते हैं मधुबन में, तो जब मधुबन में बाप दादा से जब हम मिलते थे तो मिलन का बहुत बड़ा अनुभव होता था, तो अभी हम किस अनुभव से जाए मधुबन? तो अभी जब हम मधुबन जाते हैं तो एक शीशे की तरह है, अपने आप को हम देख सकते हैं कि हमारा स्टेज क्या है, हमारी स्थिति क्या है, जो अव्यक्त इशारे है, जो बाबा जो मुझे सिग्नल कर रहे हैं, क्या मैं अपनी स्थिति से वो कैच कर पा रहा हूँ या नहीं, ये हमको इजीली पता चलता है। और जब हम दो हफ्ते रहेंगे वहां पर भट्टी में रहकर अनुभव करेंगे, कभी एक दो दिन में ही हमें इतना अनुभव होता है, तो फिर हम दो हफ्तों के लिए जब हम रहते हैं तो फिर कितना हम पावरफुल बन सकते हैं। हम जब रहते हैं एक दो हफ्तों के लिए वहां पर, कभी कभी हमारे में खुद को ही नहीं पता चलता कि हमारी परिवर्तन हुई है, पर जब हम वापस आ जाते हैं तो फिर छोटी छोटी परिवर्तन तो हम देख ही सकते हैं। तो घर जाना माना वहां तो परंधाम में तो आत्मा जाती है, पर यहाँ मधुबन में जब हम घर जाते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों मिलकर जाते हैं, और जाने में बहुत सारे लाभ है, तो जाना चाहिए सबको। तो दीदी ने कहा कि हम कैलेंडर में अपना डेट्स बुक करेंगे मधुबन जाने के लिए। और ये बहन कह रहे हैं कि जब भी वो मधुबन जाते हैं तो उनको लगता है कि एक रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, क्योंकि खुद का जो प्रोग्रेस है, खुद का जो स्टेज में क्या परिवर्तन हुई है वहां जाने के बाद पता चलता है। क्योंकि मैं तो खुद 3 साल के बाद जाना है मुझे, तो लास्ट 3 साल में हम तो गए नहीं हैं वहां पर, तो क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि यहाँ तो जो अमेरिका से कंपेयर करे तो शायद जब हम इंडिया जाएंगे तो फिर थोड़ा कंफर्ट वगैरह जो हीटिंग होती है, टेम्परेचर होती है, तो फिर थोड़ा इधर उधर आपको ये हो सकता है, डिफरेंट लग सकता है, पर जो अफ्रीका के या कोई और देश के जो आते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है। और बाबा ने तो कहा है कि अंत के समय में तो हमें मिनिमम फैसिलिटीज तो होंगे। जब 1958 में मोहिनी दीदी थे वहां पे, बहुत नशा था सभी में, पर वहां की जो वातावरण थी तो बहुत मिनिमम मिलता था रिक्वायरमेंट, पर आत्मा में इतनी शक्ति थी, इतना नशा था,
तो फिर अलबेले कभी नहीं बने. Sacrifice something, but Baba gives you much, much more return. तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि यू नो मैं अगर वहां जाऊं तो ये नहीं मिलेगा ऐसा, तो बाबा आप में और भी शक्ति भरेगा. तो आप ये बहन पूछ रहे हैं दीदी से कि आपकी जो फेवरेट मोमेंट, सबसे अच्छा फेवरेट मोमेंट क्या है मधुबन में. आपके तो शायद बहुत सारे होंगे, पर एटलीस्ट एक फेवरेट आपका बता सकते हैं. तो दीदी कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, कैसे वो हमारी वेलकम के लिए करते हैं सब कुछ रूम में, इतना सारा क्लीनलेस. और जैसे हमको हमारा दादा दादी का घर जाना या पिता के घर जाने में कैसा होता है, ऐसा बाबा सब कुछ इंतजाम करके रखते थे. जाते ही शावर करके फिर बाबा के सामने, मम्मा के सामने. जब हम बाबा के कमरे में आज भी जब जाते हैं तो लगता है बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा हमसे बात कर रहे हैं. तो एक सेकंड में हमेशा ये रहती है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ जा रहा हूँ. और वहां से जब वापस आते हैं तो फिर वो अलग है. जब हम मधुबन जाते हैं वो अलग है, पर जब मधुबन से वापस आ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है अभी दूर जा रहे हैं. तो वो भी एक फीलिंग होती है. और दीदी कहते हैं दूसरों को कि जो मधुबन में है कि आप तो लकी है, आप लोगों को तो ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको अकेला रहना है तो फिर वो अलग है. पर और ये बहन उसको विजुअलाइज कर रही है और बोल रही है ये सब मैजिक है, और जैसे लगता है कि मैं भी आपके साथ हूँ वहां पर. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. So today, Mariada Purushottam, God's family, when the age is transformed, Mariada Purushottam, Prabhu Parivar, Yug Parivartan Hone Se, Dukh Ke Sansar Se, Sukhon Ke Sansar Me Aa Gaye, Sadharan Atma Se Purushottam Ban Gaye, Prabhu Parivar Me Aana, Arthat Janma Janmantar Ke Liye Takdeer Ki Lakeer Shreshth Ban Jana, प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए. कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता. ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी. ओम शांति. Maryada Purushottam, God's family. Maryada Purushottam, Prabhu Parivar. When the age is transformed, Yug Parivartan you come in Hone Se, Dukh Ke Sansar Se, Sukhon Ke Sansar Me Aa Gaye. From being ordinary, साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए. To come into God's प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना. To
to belong to प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए. God's children कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता. When your stage becomes ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु परिवार युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए. साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए. प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना. प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए. कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता. ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेंगी. ओम शांति. ओम शांति. शांति.